नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। गणेश उत्सव पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन संपन्न हुआ। ऐसे में मुंबई के बीचों में गंदगी की सफाई की गई। इस अभियान में शामिल हुए परिणीति चोपड़ा, अनुपम खेर, अपार शक्ति खुराना, इन सभी ने मिलकर बीच की सफाई की है और लोगों को उपदेश भी दिए हैं कि उन्हें किस तरीके से गंदगी नहीं फैलानी है और सफाई रखनी है। जी आपको बता दें, विसर्जन के बाद जो वातावरण को नुकसान पहुंचता है वो बहुत ज्यादा होता है। हर साल सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कई नदियों तालाबों में गणपति बप्पा की मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं और इसके बाद की गंदगी पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अब बॉलीवुड सितारों ने ये बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई की बीच की सफाई की है। आपको बता दें, परिणीति चोपड़ा ने ये पहले ही बता दिया था कि वो मुंबई के समुद्र तटों को साफ करने वाली है। उन्होंने कहा था कि मैं आप सभी को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि गणपति बप्पा हमें ज्ञान और समृद्धि प्रदान करें। जब हम इस खूबसूरत शुभ त्योहार को मनाते हैं तो हम भूल जाते हैं उत्सव खत्म होने के बाद क्या होता है। हर साल गणपति विसर्जन के दौरान हम अपने समुद्र तटों पर बहुत बड़ा कचरा छोड़ जाते हैं जो दुर्भाग्य से पानी में समा जाता है। ये न केवल समुद्र को प्रदूषित करता है बल्कि बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। इससे हमारे समुद्री जानवरों की सामूहिक मृत्यु तक हो जाती है और इस त्योहार को पूरे जोश के साथ हम मनाते तो हैं। हमें इसी ऊर्जा के साथ सफाई करने और अपने समुद्री जीवन के साथ साथ अपने ग्रह की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको बता दें, इसी वजह से परिणीति चोपड़ा, एक्टर अनुपम खेर और अपार शक्ति खुराना इस क्लीनअप ड्राइव में शामिल हुए और उन्होंने मुंबई के कई समुद्र तटों की सफाई की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल बोल्ड स्काई सब्सक्राइब करें।